हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी, तो इसे बनाने के लिए मैंने ब्रेड लिया है। जी हाँ, मैं ब्रेड से आइसक्रीम बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार ब्रेड से आइसक्रीम बनाकर देखिए, बहुत ही यम्मी आइसक्रीम बनती है और बिल्कुल कम खर्चे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्रेड के जो किनारे वाले पार्ट होते हैं उन्हें अलग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, मेरे पास ब्राउन ब्रेड था तो मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। तो अब इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है। तो मैंने गैस के ऊपर दूध गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था। ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है। तो यहाँ पर आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं और कच्चा दूध भी ले सकते हैं। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो उसे पहले अच्छे से बॉईल कर लीजिए। तो मैंने दूध पहले उबाल लिया था, तो इसे मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया है। और दूध गर्म होने के बाद मैंने इसमें ये दो इलायची कूट ली थी उसे डाल दिया है। ये हरी इलायची है और ये यहाँ पर मैं केसर के कुछ धागे इसमें डाल रही हूँ। इन सब चीजों को मिला के अच्छे से दूध को बॉईल कर लेंगे। और फ्रेंड्स, 4-5 मिनट तक हम दूध को पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी ऐड कर दी है, जिसे मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने आधी कटोरी चीनी इसमें ऐड की है। अब चीनी को मेल्ट होने तक दूध को पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नीचे लाइक का बटन दिया है जरूर प्रेस करें और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और अब मैं यहाँ जो मैंने ब्रेड ग्राइंड करके रखा था उसे इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से चलाते हुए हम लगभग 1.5-2 मिनट तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको चलाते रहेंगे, चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो हमारा ब्रेड जो है वो चिपक जाएगा नीचे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अभी बॉईल हो गया है और ये अच्छे से पक गया है। अब इसे गैस को फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने फ्रेंड्स इसे ठंडा कर लिया है और मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ। ये घर से जो दूध की मलाई निकलती है वही है मलाई है और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इसे डाल के एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब इस मिक्सर को हम जमने के लिए डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये आइसक्रीम के लिए कप लिए हैं, इसमें मैं इस मिक्सर को डाल दूंगी। और ये एक गिलास लिया है मैंने, इसमें मैं इस मिक्सर को डाल दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आइसक्रीम का मिक्सर जो है वो डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं पॉलिथीन लगा रही हूँ ताकि जब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे तो इसके अंदर बर्फ वगैरह ना जा सके और हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छे से जम जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर ऐसे आप पॉलीथीन या तो फिर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसे इसके ऊपर लगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कवर कर लिया है आइसक्रीम को और अब इसे हम 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 7 घंटे के बाद आइसक्रीम कितनी अच्छे से जम गई है। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये देखिए, ग्लास वाली आइसक्रीम भी बहुत बढ़िया जमकर
तैयार हुई है और ये कप वाली आइसक्रीम है। तो फ्रेंड्स अब गिलास वाली आइसक्रीम को निकालने के लिए एक बाउल में पानी लेंगे और गिलास को इसमें अच्छे से घुमा लेंगे और एक प्लेट के ऊपर गिलास को उल्टा करके इसे टैप करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से आइसक्रीम जो है वो निकल आई है। और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये कट भी बहुत ही आसानी से हो जाती है, देखिए कितनी आसानी से कट हो रही है आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ब्रेड की आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार है। फ्रेंड्स आपने आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी, एक बार ब्रेड की आइसक्रीम जरूर बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। मेरी आइसक्रीम तो बहुत ही यमी बनकर तैयार हुई थी और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के